come back. So we did two sums of investment accounting. So now coming to the question number 3. Chalo aa jao question number 3 pe. On 1st of January 2013, okay, before that, this is also adopted from last year's papers. So last year ke paper ke agar sums karte hai to apne ko idea aa jata hai ki kaun sa variety hai. So coming to question 3. On 1st of January 2013, 1012% debentures of 100 each of PQR Limited were held as investment by Mr. Pinku at the cost of rupees 91,000. Interest is payable on 31st December. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट सिर्फ एक दिन को पे है और कभी किया हुआ है 31st दिसंबर. देखो फर्स्ट सम किया था जहाँ पे इंटरेस्ट दो बार था, दैट वाज हाफ ईयरली. सेकेंड सम किया था जो लास्ट वाला सम किया था वहाँ पे इंटरेस्ट चार बार था, दैट वाज क्वार्टरली. एंड यहाँ पे इंटरेस्ट इज ऑन ओनली वंस, दैट इज 31st दिसंबर. सो दिस इंटरेस्ट इज एन्युअली. देखो आपके वर्किंग में या कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जब भी इंटरेस्ट आएगा तभी इंटरेस्ट पे करना है. ऑन 1st of April 2013 ₹20,000 ऑफ सच डिबेंचर्स व परचेज बाय धर्मेश एट 98 कम इंटरेस्ट. ऑन 1st of September 2013 ₹30,000 ऑफ सच डिबेंचर्स व सोल्ड एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट. ऑन 1st of December 2013 ₹50,000 ऑफ सच डिबेंचर्स व सोल्ड एट ₹99 कम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, दैट इज ऑन 31st दिसंबर इंटरेस्ट आ गया है. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पिंकू वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st दिसंबर 2013 अप्लाइंग AS 13. अभी देखो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. द डिबेंचर्स वर कोटेड एट ₹93 ऑन 31st दिसंबर 2013. सो आपको मार्केट वैल्यू दे दिया हुआ है. सो यू ऑल्सो हैव टू डू द वैल्यूएशन. और आपका ईयर एंड कभी है 31st दिसंबर, क्योंकि आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑन 31st दिसंबर. सो ईयर एंड भी 31st दिसंबर है एंड योर इंटरेस्ट ड्यू डेट इज ऑल्सो 31st दिसंबर. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट. ऊपर क्या लिखते हैं अपन, इन द बुक्स ऑफ डैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडेड और ड्यू डेट, और यू में से इंटरेस्ट ड्यू डेट. और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ड्यू डेट लिखना है. चलो अपन किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पिंकू. सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पिंकू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ कितना डिबेंचर्स अपना, इट इज 12% डिबेंचर्स. सो राइट 12% डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड. यहाँ पे अभी जस्ट देखा इट इज ऑल्सो 31st दिसंबर, द ईयर इज 2013. सो 31st दिसंबर 2013 एंड ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इट्स एन्यूअली आपको दिया हुआ है सेकेंड लाइन में, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31st दिसंबर. सो यहाँ पे लिख दो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 31st दिसंबर 2013. सो आपका बेसिक डेट हो गया. उसके बाद फॉर्मेट बना लो. सो फॉर्मेट इज रेडी. अगेन लेफ्ट साइड पे 5 कॉलम, राइट साइड पे कहा हुआ दैट इज योर डेबिट में डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, और क्रेडिट में अगेन द सेम डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट. बिफोर स्टार्टिंग द सम हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, टाइम लाइन बनाते हैं. सो स्टार्टिंग विद द टाइम लाइन, आ जाओ वर्किंग नोट्स पे. अभी देखो सबसे पहले तो इधर ऊपर लिख दे, तो दिस इज माय 12% डिबेंचर्स. और अभी पढ़ते जाओ क्वेश्चन और टाइमलाइन पे डालते जाओ. ऑन 1st जनवरी 2013
1012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ 100 ईच मतलब द फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 100, ऑफ 100 ईच ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड वर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर पिंकू एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000. सो सबसे पहले 1113 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है. देखो अब तक के सम में क्या था, दो सम में जहाँ पे आपके पास ओपनिंग में कुछ नहीं था, यू डायरेक्टली परचेज, दैट फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आता था, परचेज का. बट यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ओपनिंग. ओपनिंग के आपके पास 1000 डिबेंचर्स पड़े हैं, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, एंड इसका कॉस्ट कितना है एट रुपीज 91,000. शेयर डाल दिया ओपनिंग 1000 एट रुपीज 91,000. उसके बाद दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31st December. ठीक है, वो पहले पूरा टाइमलाइन बनाते हैं फिर इंटरेस्ट का डालेंगे. ऑन 1st of April 13 टू रुपीज 20,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वर परचेज. सो 1st of April 13 क्या हुआ है, परचेज. कितने परचेज हुए हैं, रुपीज 20,000 ऑफ सच डिबेंचर, दैट मीन्स वो 200 डिबेंचर्स हो गए. देखो 20,000 डिबेंचर्स बोला है और फेस वैल्यू आपका 100 है, सो इट कम्स टू 200 डिबेंचर्स. सो यहाँ पे मैं इसीलिए नंबर लिखती हूँ ताकि कॉस्ट और फेस वैल्यू में कंफ्यूजन ना हो. सो 200 डिबेंचर्स यू हैव परचेज ऑफ सच डिबेंचर परचेज एट रुपीज 98 कम इंटरेस्ट. सो रुपीज 98 कम इंटरेस्ट, सिर्फ कम लिख दो तो भी समझ जाएगा. ऑन 1st of September 13, 30,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 96 एक्स इंटरेस्ट. सो उसके बाद क्या हुआ, 1st September 13 सेल हुआ है, कितने डिबेंचर्स सेल हुए, 30,000 ऑफ सच डिबेंचर, दैट मीन्स 300 डिबेंचर्स यू हैव सोल्ड एट 96 एक्स इंटरेस्ट. सेट रुपीज 96 एक्स इंटरेस्ट, ये समझा. उसके बाद ऑन 1st of December 13 रुपीज 50,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 99 कम इंटरेस्ट. वापस सेल हुआ, सेल कौन सी डेट पे हुआ, 1st December 13 को सेल रुपीज 50,000. सो दैट मीन्स 500 डिबेंचर्स आर सोल्ड एट 99 कम इंटरेस्ट. सो रुपीज 99 कम इंटरेस्ट. देखो ओपनिंग में था, फिर परचेज हुआ, फिर सेल हुआ और वापस सेल हुआ. उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. सो व्हाट वाज माय डेट, ड्यू डेट कौन सा था अपना, 31st December 13, दैट इज माय इंटरेस्ट ड्यू डेट. उसके बाद क्या हुआ, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पिंकू वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st December. सो योर ईयर एंड इज 31st December. द डिबेंचर्स वर कोटेड एट 93. सो 93 पे कोट हो रहा है. सो मेरा ईयर एंड है 31st December 13, दिस इज माई ईयर एंड, और उस दिन मेरा मार्केट वैल्यू है रुपीज 93. अभी देखो जब भी ईयर एंड आता है मैं बोलती हूँ आपको दो चीज़ करना पड़ता है, एक होता है आपका अक्रूड डिबेंचर, सॉरी अक्रूड इंटरेस्ट. सो वन यू डू अक्रूड इंटरेस्ट एंड सेकेंड क्या होता है आपका वैल्यूएशन. क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, वी अज्यूम दिस डिबेंचर्स टू बी योर करेंट असेट्स, और इसीलिए उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. सो अभी देखो आपका टाइमलाइन बन गया, सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे कोट कर दिए. सो अभी यही ट्रांजेक्शन से विल सॉल्व द एंटायर सम. ऊपर लिख दिया कि 12% डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू इतना, ओपनिंग परचेज सेल सेल क्लोजिंग, क्लोजिंग पे आप एक तो अक्रूड इंटरेस्ट करते हो, और सिंस द मार्केट वैल्यू इज गिवन सो वी अज्यूमिंग करंट असेट्स टू बी योर इन्वेस्टमेंट इज योर करंट असेट्स, और इसीलिए वैल्यूएशन भी करोगे. चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ओपनिंग वाला. सो वर्किंग नोट वन, ओपनिंग बैलेंस. अभी देखो आपको कॉस्ट तो सीधा सीधा दे दिया हुआ है कि आपके पास कॉस्ट कितना है, 91,000. यस और नो,
बट अभी देखो इसके साथ अपन तीन कॉलम फिलअप करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट. नॉमिनल वैल्यू तो पता चल जाएगा 1000 × 100 ईच, दैट इज 1 लाख. सो नॉमिनल वैल्यू तो वो हो जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट. तो कॉस्ट तो आपको सीधा दे दिया कि 91,000 है. सो थर्ड सेकेंड इज इंटरेस्ट, जो मिडिल कॉलम रहता है आपका इंटरेस्ट का वो. अभी देखो इंटरेस्ट किस पे आता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे एट द रेट ऑफ 12%. बट इफ़ यू सी ओवर ईयर, आपका लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 31 December 2012 ओनली. तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी गिनती हूँ तो इट वुड बी 1000 × 100, दैट इज 1 लाख, इंटू 12% इंटू, अभी देखो 31 December को लास्ट टाइम भी इंटरेस्ट आया होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार 31 December है, लास्ट टाइम जून में आया हो या फिर अक्टूबर में आया हो. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो लास्ट टाइम भी 31 को आया होगा. और ये कभी का है आपका, जनवरी का है. सो अभी 31 December के बाद ही 1 January आता है. सो टिपिकली देर इज 0 months ओवर ईयर. सो आपका इंटरेस्ट भी अगर 0/12 का, तो इट विल बी निल. ये समझा पीपल कैसे हुआ. देखो अपन करते हैं वैल्यूएशन. नॉमिनल वैल्यू लिख दिया 1 लाख, ठीक है. कॉस्ट लिख दिया 91,000, ठीक है. और इंटरेस्ट में जब भी गिनने गई तो पता चला कि लास्ट ड्यू डेट तो 31 December ही था और मेरा ईयर भी चालू हुआ है जनवरी से. सो टिपिकली देर इज 0 months, सो नो इंटरेस्ट कंपोनेंट. सो विल पोस्ट दिस ओवर ईयर. चलो यहाँ पे आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में. तो यहाँ पे कौन सा डेट था, 1/1/13 वाला डेट है. क्या लिखोगे आप, टू बैंक नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज नॉट योर परचेज, ये ओपनिंग बैलेंस है. तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लास्ट टाइम अपन क्लोजिंग करते तो अपन क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन. तो ये क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नॉमिनल वैल्यू आपका 1 लाख हो गया, अभी जस्ट किया. इंटरेस्ट इज निल एंड कॉस्ट आपको दिया था 91,000. अगर ड्यू डेट होता था समझ लो 31 अक्टूबर, तो फिर बचता था नवंबर और दिसंबर, तो 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे आता था. बट यहाँ पे 31 December ड्यू डेट और 1 January को ओपनिंग, सो देर इज़ नो अक्रूड इंटरेस्ट. सो ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया. आई वुड से यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस लिख देती हूँ, वर्किंग नोट 1. चलो अभी वापस आ जाओ वर्किंग नोट 2 पे. सो वर्किंग नोट 2 क्या हुआ है, परचेज हुआ है कौन सी डेट को, 1/4 को. एंड दिस इज योर कम इंटरेस्ट वाला परचेज. अगेन रिपीटिंग, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. सो ये कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट है, सो वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम इट. सो नाउ योर प्राइस इज इक्वल टू 200 डिबेंचर्स इंटू 98 ईच. सो करो 200 डिबेंचर्स इंटू 98, दैट कम्स टू 19,600. सो यहाँ पे लिख दो 19,600 लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे गिना जाता है, नॉमिनल वैल्यू पे इंटू 12%, क्योंकि 12% डिबेंचर्स है. नाउ यू हैव टू सी द लास्ट ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. अभी देखो ये अप्रैल है, उसके पहले लास्ट ड्यू डेट ये 31 December वाला हुआ रहेगा. सो 31 December के बाद जनवरी, फेब्रुआरी और मार्च आ जाएगा. 1 April को तो परचेज हो गया, तो अप्रैल तो आएगा नहीं. सो देर आर ओनली 3 months, सो इट वुड बी 3/12. चलो निकालो कितना आता है, 20,000 × 12% इंटू 3/12, इट कम्स टू 600. सो 600 माइनस कर दूंगी, सो आपका 19,600 − 600 कम्स टू 19,000. दिस इज योर कॉस्ट. सो आपको नॉमिनल वैल्यू मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, एंड क्योंकि वो कम था, वी हैड डिडक्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्राइस टू फाइंड आउट द कॉस्ट एलिमेंट. ये हो गया. चलो आ जाओ वापस इन्वेस्टमेंट पे, पोस्टिंग करते हैं. कौन सी डेट था, 1/4/13, यू हैव परचेज. तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, राइटिंग द रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट 2.
अभी देखो नॉमिनल वैल्यू कितने थे, 200 डिबेंचर्स, तो दैट मीन्स 20,000, 200 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इंटरेस्ट जस्ट आपने निकाला 600 एंड कॉस्ट 19,000, इतना समझा? ये समझा आपका, अप्रैल का आया, नॉमिनल वैल्यू लिखा, इंटरेस्ट लिखा और कॉस्ट लिखा। अभी देखो बीच बीच में एक आपको क्वेश्चन देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका टाइमलाइन बना हुआ है कि ठीक है चलो ओपनिंग डाल दिया मैंने, ओपनिंग था, परचेज डाल दिया। अभी इसके बाद द थर्ड ट्रांजैक्शन, चलो आ जाओ यहाँ पे, वर्किंग नोट 3, क्या हुआ है, सेल हुआ है, कौन सी डेट पे, 1st of September 13 को, दिस इज योर एक्स इंटरेस्ट प्राइस, सो माई प्राइस इटसेल्फ इज माई सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो उसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, उसके अलावा, सो इंटरेस्ट के अलावा, सो ये कैसे आ जाएगा, 300 डिबेंचर्स आर सोल्ड एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट, सो माई सेलिंग प्राइस वुड बी, करो 300 इंटू 96, 28,800 आया, सो माई सेलिंग प्राइस इज 28,800, बट इंटरेस्ट भी तो गिनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो यू आर होल्डर फॉर सम पीरियड। अभी देखो आपने सेल कभी किया, सितंबर में, मतलब ये सितंबर के पहले लास्ट ड्यू डेट था दिसंबर का, सो फ्रॉम जनवरी टिल 1st of September आपके पास ये डिबेंचर्स पड़े थे, सो इट कम्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगस्त तक का 8 महीना हो गया, 1st of September है तो सितंबर नहीं लोगे, 8 मंथ्स के लिए यू वर होल्डिंग दैट डिबेंचर्स, सो व्हेन यू सेल दैट डिबेंचर्स ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट कंपोनेंट भी डिमांड करोगे, या तो आप प्राइस में इंक्लूड करते हो, बट ये एक्सक्लूडिंग है, सो इंटरेस्ट वुड बी ओवर एंड अबाउ दिस, तो कैसे आ जाएगा, 30,000 इंटू 12% इंटू कितने महीने हुए, जब अभी जस्ट गिना, 8/12, चलो करो, 30,000 इंटू 12% इंटू 8/12, बोलो कितना आया, 2,400 आया, सो दिस इज 2,400, तो आपका ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये होगा इंटरेस्ट। बट सेल के टाइम पे दो वर्किंग नोट्स बनता है, एक तो सेल का बनता ही बनता है, बोलो दूसरा कौन सा बनेगा, यस प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल, सो आई वुड से माय सेलिंग प्राइस इज 28,800 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट। अभी देखो कैसे आ जाएगा, बहुत बार समझाएं ये कॉस्ट कैसे आता है, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, पहले तो इतना करो, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, सो यू हैव टू गो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चलो देखो यहाँ पे आ जाओ, कॉस्ट मेरा था 91,000 प्लस 19,000 और क्रेडिट में कुछ नहीं है, सो इट कम्स टू 1,10,000 और ये आपका हो गया 1,20,000, 1,20,000 दैट इज 1,20,000, तो यहाँ पे लिखो 1,10,000 इंटू 1,20,000 सॉरी डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू सेल कितना किया 30,000, सो दैट इज 30,000, सो करो 1,10,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 30,000 कितना आ रहा है, 27,500 आ रहा है। आपको शायद अगर डिवाइड किया होगा तो आपको ऐसा आ रहा होगा 499.99999 आ रहा होगा, 27,499.99999 आ रहा है, सो दैट इज 500 हो गया, सो इट कम्स टू 27,500, सो 28,800 माइनस कितना करोगे 27,500, तो कितना आया 1,300, बोले 1,300 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस था और ये कॉस्ट था, सो योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर कॉस्ट, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा मिल रहा है, सो दैट इज योर प्रॉफिट।
तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। देखो वापस अगेन सेल, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट था, सो प्राइस इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस, बट यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट कंपोनेंट व्हेन यू सेल, दैट कम्स टू 2400। फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो सेलिंग प्राइस ले लिया, लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल दैट इज 30, वो किया तो मेरे को मिला 27500। सिंस माय सेलिंग प्राइस वाज मोर आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1300। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन देखो, सेल करके विदाउट कैलकुलेटिंग पीएनएल पहले पोस्ट मत करना, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर गलती से पहले आप ये पोस्ट कर दोगे ना तो चांस आप क्रेडिट में ये वाला अमाउंट ले लो जो कि आपको नहीं लेना, क्योंकि इसका ही सेल हो रहा है तो इसको अपन डेबिट माइनस क्रेडिट में नहीं ले सकते, इसीलिए ये दोनों साथ में करो फिर दोनों का एक साथ पोस्टिंग करो। तो चलो आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, कभी सेल हुआ इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा, दैट इज 1913। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, दिस वॉज माई वर्किंग नोट 3, मेरा नॉमिनल वैल्यू है 30,000, इंटरेस्ट इज 2,400 एंड माई कॉस्ट इज 28,800। यहाँ पे दिस कॉस्ट मतलब ये सेलिंग प्राइस ही हो गया, बट वी राइट इन कॉस्ट, और प्रॉफिट का भी एंट्री आएगा। बोलो प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखो कि क्रेडिट, कहाँ पे जाएगा आपका प्रॉफिट, डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ? देखो प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, सो यहाँ पे व्हेन यू अर्न अ प्रॉफिट आपका डेबिट होगा, तो डेबिट साइड पे क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है, सो यहाँ पे लिख दो 1913 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट में कुछ नहीं आता और सीधा कॉस्ट में माई प्रॉफिट इज 1300 एंड राइट द रेफरेंस वर्किंग नोट 4। ये इतना समझा, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और उसका प्रॉफिट एंड लॉस। चलो पहले इतना कॉपी कर लो।